उत्तराखंड को बने 22 वर्ष हो गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा योगदान आंदोलनकारियों का रहा है और उन्हीं की बदौलत आज उत्तराखंड अपने वजूद में है। उत्तराखंड आंदोलनकारी लगातार पिछले कई वर्षों से 10% क्षेत्रीय आरक्षण की मांग कर रही हैं। उसके लिए बाकायदा वह लोग समय समय पर धरना प्रदर्शन भी करते रहे हैं। खानपुर विधायक उमेश कुमार ने बताया कि उनके द्वारा आंदोलनकारियों की पीड़ा को समझते हुए सदन में यह बात रखी गई कि उन्होंने शहादत दी है और उनका अधिकार है। आरक्षण के विषय में जल्द कोई आदेश जारी किए जाएं। साथ ही उन्होंने बताया कि पिछले कई वर्षों से आरक्षण की मांग की पत्रावली लगातार राज्यपाल से समिति के बाद सरकार तक आती है और फिर वापस चली जाती है, परंतु आज तक उनको आरक्षण लागू नहीं किया गया। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि वीरचंद गढ़वाली के परिवार को भी आज तक जमीन तक नहीं दी गई। शासनादेश था, उसकी अवधि एक वर्ष थी। रुड़की में लगभग कई हजार ऐसे लोग हैं जो चिन्हितकरण से वंचित हैं। मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को लगभग 6 महीने पहले पत्र लिखकर उनसे निवेदन किया था कि भाई इस शासनादेश का उसका एक वर्ष जो था वो समाप्त हो गया है और प्रक्रिया अधर में लटक गई है। माननीय जिलाधिकारी महोदय कहते हैं कि अवधि एक वर्ष थी, जब तक इसका रिन्यूअल नहीं होगा, नवीनीकरण नहीं होगा, हम तब तक पुनः चिन्हितकरण का कार्य प्रारंभ नहीं कर सकते।